तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बायूम और सैम सिंह को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे बायूम एक लड़के और एक लड़की की लव स्टोरी के बारे में लिख रहा था कि किस प्रकार से वे दोनों मिलेंगे और किस प्रकार से उन दोनों की लव स्टोरी बनेगी और अंत में वे दोनों साथ में ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सैम सिंह बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे क्योंकि बायूम बिना मतलब के उसमें बहुत सारी कहानी को ऐड कर रहा था जो कि उसे ऐड नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उधर से म्यूंग चला आता है, तब यहाँ पे बायूम उसे लव स्टोरी के बारे में म्यूंग को बताता है। लेकिन इधर म्यूंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि म्यूंग यहाँ पर उस लड़के और चेसू की लव स्टोरी को बनाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे उन दोनों की लव स्टोरी नहीं बनी थी। वहीं पे चेसू रात की सभी बातों को सोना को बता देती है और वो उससे पूछती भी है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि रात को वह लड़का वहाँ पे कैसे पहुँचा। तब यहाँ पे सोना उसे बताती है कि जब वह बीच में डेटिंग छोड़ के चली गई थी तब वहाँ से दोनों लड़के उसके पास आए थे और उन दोनों ने चेसू के बारे में पूछा था कि चेसू बीच में डेटिंग छोड़ के क्यों चली गई। लेकिन यहाँ पे सोना उन्हें सिर्फ इतना जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, बस उसे डेटिंग पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक लड़का उससे चेसू का नंबर मांगता है, तब यहाँ पे सोना उसे नंबर देने से मना कर देती है, जिसके बाद यहाँ पे ये लड़का चेसू के पीछे चला जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब चेसू बस से नीचे उतरती है तभी वो लड़का छाता लेके उसके नीचे उतरता है और इस प्रकार से वो लड़का वहाँ पहुँचा था। यहाँ पे तो चेसू उसकी तरफ देखी जा रही थी क्योंकि वह अपने फर्स्ट लव से इसी प्रकार से मिली थी। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा तेज थी इसलिए सीन ओहर चेसू को घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। अब रोड क्रॉस करने के बाद जब एक कार उन दोनों के सामने से गुजरती है तो कार के कारण काफी सारे पानी चेसू की तरफ जाने लगते है, लेकिन यहाँ पे सीनो बीच में आके उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे तो चेसू उसकी तरफ देखी जा रही थी, दरअसल यहाँ पे चेसू बहुत ज्यादा हैरान थी। अब यहाँ पे वह लड़का चेसू को छाता दे देता है और कहता कि वो भी बहुत ज्यादा भीग गया इसलिए वो अब भीगते हुए घर पे जा सकता है। लेकिन चेसू छाता लेके चली जाए और यहाँ पे वो लड़का उसे छाता देके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जेल पे स्यून आ चेसू से पूछती है कि आखिर वो परेशान किस बात को लेकर है। तब चेसू स्यून आ को पिंक डायरी की याद दिलाती है। अब यहाँ पे तो स्यून आ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पे एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब बचपन में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे तब यहाँ पे चेसू और स्यून आ दोनों मिलकर मोबाइल पर एक डायरी लिखा करती थी कि वे दोनों किस प्रकार से अपने बॉयफ्रेंड से फर्स्ट टाइम मिलना चाहती है और जिस प्रकार से इन दोनों ने स्टोरी लिखी थी उसी प्रकार से कल रात की सभी घटना घटी थी, यानी कि बारिश में जिस प्रकार से सीन और चेसू से मिली थी और उन दोनों के बीच जो एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर अभी भी चेसू इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो बातें उसने डायरी में लिखी थी वही कहानी चेसू के साथ क्यों हो रहा है। दरअसल यहाँ पे यह सब कारनामा और किसी की नहीं बल्कि म्यूंग की थी। लेकिन यहाँ पे सोना उससे कहती है कि तुम बिना मतलब की टेंशन लेती हो, इसके बारे में भूल जाओ, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिसके बाद चेसू उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे बारिश अचानक से शुरू हो जाती है, तब चेसू उधर से दौड़ती हुई आती है, उसे छाता दे देती है और कहती है कि वो छाता लेकर ही घर पर जाए क्योंकि बारिश हो रही है। जिसके बाद हम लोग चेसू को एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पे वह एक बुक को लेने आई थी, तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर म्यूंग से हो जाती है। यहाँ पे म्यूंग चेसू को एक बुक के बारे में बताता है, बट यहाँ पे चेसू ने पहले उस बुक को पढ़ रखी थी, तब यहाँ पे म्यूंग उसे बाय करके चला जाता है। अब जब चेसू लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि म्यूंग उसी के पास कार लेके पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कॉफी कैप में ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे चेसू तैयार हो जाती है, लेकिन जाने के वक्त चेसू म्यूंग से पूछती है कि उसे कैसे पता कि चेसू का कॉफी कैप कहाँ पर है। तब म्यूंग उसे जवाब देता है कि वो पहले ही उसकी मॉम से मिल चुका है और उसकी मॉम हमेशा उसे कहती थी कि वह चेसू को डेटिंग करे। अब यह सुनने के बाद तो यहाँ पे चेसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा से म्यूंग को उससे डेटिंग करने के लिए कहती थी। लेकिन खैर यहाँ से चेसू अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में पहुँचती है जहाँ पे वो सबसे पहले मॉम से डेटिंग के बारे में पूछती है कि आखिर उसने म्यूंग को उसके लिए डेटिंग करने के लिए क्यों कहा।
तब यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि वो सच में बहुत ज्यादा ही अमीर है, और खास बात कि वो उसके अपार्टमेंट का मालिक है तो वो उसे कहेगी ना। लेकिन यहाँ पे चेसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और तभी चेसू को यहाँ पर सिन्हो का कॉल चला आता है, और तब यहाँ पे सिन्हो उससे छाता लौटाने के लिए कहता है। तब यहाँ पर चेसू से कहती है कि हाँ उसे याद है वो छाता सिन्हो के हाथों से भिजवा देगी। लेकिन यहाँ पर सिन्हो उससे कहता है कि नहीं, मुझे छाता तुम्हारे हाथ से ही चाहिए। सिन्हो उससे इसका कारण पूछती है, जिस पर सिन्हो से जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था। अब यह सुनने के बाद तो चेसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जिससे कारण उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। दरअसल यहाँ पे चेसू ने पिंक डायरी में ये भी लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का हमेशा बहाना ढूंढती रहेगी। लेकिन यहाँ पे चेसू की मॉम उसे मोबाइल उठा कर देती है। चेसू अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, जो डायरी मैं पहले लिखा करती थी वो डायरी कहाँ पर है? तब चेसू की मॉम उसे जवाब देती है कि 2 दिन पहले लिफ्ट में म्यूंग मिला था, और वो किसी ओल्ड कहानी के बारे में जानना चाहता था, और इसलिए उन्होंने चेसू के सभी पुराने बुक्स को उसे दे दिया था, और उसी के साथ उसका डायरी भी था। अब चेसू यह सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे म्यू अभी भी बहुत ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि वो किसी प्रकार से सिन्हो और चेसू को एक साथ मिलाना चाहता था। और तभी उधर से बायूम ड्रिंक लेके अंदर चला आता है, जहाँ पे वो काफी उत्पटांग हरकतें कर रहा था, और वो म्यू को भी ड्रिंक करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे म्यू अपनी प्रॉब्लम को बायूम को बता देता है। तब यहाँ पे बायूम से जवाब लेता है कि क्यों ना वो उन दोनों को एक ऐसे टापू पर भेज दे जहाँ पे वे दोनों सिर्फ अकेले हो, जिसके बाद वे दोनों अकेले होंगे और यहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो जाए। तब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब चले आएंगे, जिसके कारण इन दोनों में लव स्टोरी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और दोस्तों तभी यहाँ पे म्यूंग ऐसा ही सोचने लगता है, जहाँ पे चेसू उस जगह पे पहुंच चुकी थी और साथ में सिन्हो भी, और यहाँ पे अचानक से बारिश चालू हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से रोमांटिक सीन के तहत आगे बढ़ते है, और ये लोग बारिश से बचते हुए एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन दोनों में किसिंग हो जाती है, और इस एपिसोड को यही पे एंड कर दी जाती है। दोस्तों रियलिटी क्या है और आगे क्या होने वाली है, किस प्रकार से इन दोनों की लव स्टोरी को क्रिएट करते करते म्यूंग चेसू के लव में फंस जाता है, ये तो हमें अब आगे ही एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों बने रहिए एपिसोड के साथ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।